हाँ जी बेटा, अभी एक बच्चे का डाउट था, लेट्स टेक द डाउट एंड देन लेट्स किक ऑफ द सेशन व्हिच वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेकिंग द जीएसटी नंबर एज पर सेक्शन 22। तो वी वर बेसिकली इवैल्यूएटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड द एग्रीगेट टर्नओवर। तो वी वर बेसिकली डिस्कसिंग द एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन एंड देयर वी फाउंड द अनदर थिंग दैट द अबाउट दिस आरसीएम। ठीक है बेटा, ये चीजें हमें डिस्कस हम डिस्कस कर रहे थे। अभी एक बच्चे का डाउट था कि सर, हाँ जी बेटा, एक बच्चे का डाउट था, बता रहा बेटा क्या डाउट था आपका? सर डाउट था कि रेसिपिएंट ऑन जीएसटी क्यों होगा, रेसिपिएंट जीएसटी ऑन क्यों होता है। सो बेटा, अगर आपको याद होगा तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग द डेफिनेशन द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल टैक्स पेयर एंड द एक्सेप्शनल केसेस। इफ यू रिमेम्बर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। हाँ जी बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकाली जाएगी। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हमने क्या देखा कि सर, टैक्सेबल सप्लाई सारी कंसीडर्ड होंगी, जितनी भी हमारी टैक्सेबल सप्लाईज हैं दे ऑल विल बी कंसीडर्ड, बट दीज विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मल सिनेरियो ये है और ये कुछ सेट ऑफ सर्विसेज यहाँ पर होंगी जहां पर हमें उस सर्विस जहां पे हम खुद तो टैक्स पे करेंगे लेकिन उसको हम अपनी टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहां पे हमने एग्जांपल दिया था कि एक ज्वेलरी शॉप ऑनर था, उसने 60 लाख रुपीज की सेल की। उसने क्या किया बेटा, 60 लाख रुपीज की सेल की और उसको क्या मिला, 1 लाख 80 हजार उसने जीएसटी कलेक्ट किया फ्रॉम द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट ने जो पैसा सप्लायर को दिया, सप्लायर उस पैसे को गवर्नमेंट को पे करेगा बाय डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, नाउ इन द अपोजिट केस, जहां देर आर सर्टेन सर्विसेज, एज आई मेंशन यस्टरडे एज वेल, देर आर सर्टेन सर्विसेज वेयर सप्लायर विल बी टेक सॉरी सप्लायर विल बी डिलीवरिंग द सर्विसेज टू द रेसिपियंट, बट रेसिपियंट हैज टू डिस्चार्ज द जीएसटी लाइबिलिटी ऑन दैट सर्विसेज। तो एज ए गिव एग्जाम्पल यस्टरडे द जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सेकेंड एग्जाम्पल आई गिव द लीगल सर्विसेज। याद है बेटा कुछ, जो लीगल सर्विसेज भी होती हैं, अगर मैं कोई बिजनेस यूनिट हूं, मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं और मैंने कोई सर्विसेज लीगल फॉर्म से ली हैं, एज ए कोई लीगल सर्विसेज, जो सप्लायर कौन है, लॉ फॉर्म, रेसिपिएंट कौन है, मैं, वो मुझे बिल देगा। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का बिल है। ठीक है, इस केस के लिए ये भी होता है, हम दोनों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, एज्यूमिंग हम दोनों रजिस्टर्ड हैं, वो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉयर नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम सारी चीजें वही डिस्कस कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की क्या कंडीशंस हैं। उसके अंदर हमने देखा एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम आ गए फर्दर आरसीएम के अंदर। अगर लॉयर लीगल फर्म ने मुझे सर्विसेज दी है 10 लाख रुपए की, तो उसके ऊपर मैं कौन हूं, रेसिपिएंट, पेमेंट मुझे करनी थी लॉयर को, लेकिन लॉयर इस केस में नहीं उसको लेगा जीएसटी नंबर, वो 10 लाख रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से 1 लाख 80 हजार रुपए जीएसटी मुझे देना है। तो अगर इस केस में क्या हो रहा है, जीएसटी की पेमेंट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, रेसिपिएंट कर रहा है। तो अगर अगर कोई ऐसे केसेस हैं, अगर कोई ऐसे केसेस हैं जहां पर इनवर्ड सप्लाई हो रही है आरसीएम के बेसिस पर, वो ट्रांजेक्शन आपकी सेल के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लाइन, व्हाइल वी आर आंसरिंग, व्हाइल वी आर ट्राइंग टू गेट द आंसर ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। बताइए बेटा, अभी कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि
नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, सप्लायर रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा और वो गवर्नमेंट को पे करेगा, लेकिन देर आर 14 सेट ऑफ सर्विसेज। हाँ बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा इनवर्ट सप्लाई में कौन कौन से आते हैं, दो एग्जाम्पल आपको मैं दे चुका हूं, पहला जीटीए, दूसरा लीगल सर्विसेज। 12 सर्विसेज और हैं, देर आर 14 सर्विसेज जो इस दायरे में आती हैं। वो हम जब आरसीएम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सर्विसेज हैं, बट मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है। तो बेटा श्रुति, देर आर 14 लिस्ट सर्विसेज विच विल बी काउंटेड हियर एज एन अंडर द आरसीएम और इनवर्ट सप्लाई, ठीक है बेटा। वो हम आरसीएम में डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम एटलीस्ट एक दो घंटे लगाएंगे अच्छे से, या फिर शायद दो क्लासेस भी हमारी लगे उसके अंदर, तो उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरसीएम में कैसे कैसे काम होगा। बट हाँ, मेक श्योर द कॉन्सेप्ट इज ऑल मच क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, बताइए बेटा। बिल्कुल नहीं, लाइन बेटा साफ साफ लिखा हुआ, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनवर्ट सप्लाईज के जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, ध्यान रखना मैं क्यों इस पे इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके यही चीज आएगी। बेटा देखो, मैं आपको एक छोटी छोटी चीज बताता हूं, मैं आपको 20-25 टॉपिक ऐसे दे दूंगा जो आपको एग्जाम में पास करवा देंगे, बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पास होना है तो सिर्फ 20-25 टॉपिक कर लो, पास हो जाओगे आप। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझना है कि सर ये हम कर क्यों रहे हैं, क्या पर्पज है इस चीज का, ठीक है, तो बेटा क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एग्जाम में मान लो हल्का सा ट्रिक क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, टॉपिक तो मैंने बता दिया आपको, बट एग्जाम में उस ट्रिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए आपको ये चाहिए। आपको अगर लाइक ऑलमोस्ट 90 अबव मार्क्स चाहिए तो क्लासेस इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। बस यहाँ पे मैं सारी चीजें वही बताऊंगा जो इनडेप्थ नॉलेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप सबको समझिए, हमेशा वो आपसे पूछेगा एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है, ये कौन क्वेश्चन 110% देगा वो आपको, मैं आज ये बात आपको लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। Why I'm saying? Because यही तो बेटा इंपॉर्टेंस इस चीज की। ये यहाँ पे क्या लिखा इसने, टैक्सेबल सप्लाईज, और यहाँ पे इसने लाइन लिख दी एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, ठीक है। तो अगर सब सारे बच्चों को आरसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो ताकि मैं आगे चलूं। बताइए बेटा, whether you all understand the meaning or definition or the concept of RCM and the taxable supplies. First, not completely, better doubt batao. See, I have no shame in repeating this thing because this is very much important to understand the meaning of taxable supply and the RCM supply. बेटा अभिषेक बताओ डाउट क्या है, आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड अनलेस यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दिस कॉन्सेप्ट। बेटा बाकी बच्चे भी बताइए उनको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए बेटा। बेटा बाकी बच्चे जल्दी से कन्फर्म कर दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड अनलेस। सर लॉज ध्यान रखना मैंडेटरी है क्या, बेटा लॉज का आई डिडंट गेट द मीनिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन नंबर और यू आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट लाइक दिस वे ओनली, लाइक आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। बेटा सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, एज आई मेंशन इन द वेरी फर्स्ट क्लास, यू डो नॉट नीड टू रिमेंबर सेक्शन वाइज कंटेंट। If you remember, well and good. If you don't remember, that's not an issue.
Yeah, beta. As I mentioned, if you remember the section, this is well and good. If you don't remember, there is no any issue. बेटा बाकी बच्चे कहाँ हैं? बड़ा क्लास में ध्यान है या कहीं और है? पबजी देख खेल रहे हो क्या? ठीक है, तो बेटा आई एम अज्यूमिंग आप सबका डाउट्स क्लियर है. ठीक है, अगर नहीं भी है नो वरीज, हम इस चीज को बार बार मतलब टॉपिक्स में डिस्कस करते रहेंगे. आरसीएम क्या है, एक्सेल सप्लाई, हमारे क्लासेस में यही सारे वर्ड बेटा बार बार रिपीट होंगे, तो नो वरीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो हमने बेटा इस चीज में थोड़ा फोकस किया, इसका मतलब क्या है. इसके बाद ध्यान से देखिए क्या बोलता है. टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, इसको हटा दो. उसके बाद क्या बोला, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज. अब बेटा एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है? बेटा एग्जेम्प्ट सप्लाई वो होती है कि आप सप्लाई तो कर रहे हो बट उस पर आपको टैक्स नहीं देना. जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था, एग्जेम्प्ट इनकम पढ़ा था ना कुछ, सेक्शन 1010D, सेक्शन 1010C, सेक्शन 10, सेक्शन 101, सेक्शन 102, सब पढ़ा था ना. ये क्या था वो, कि आप जो भी इनकम, ये ऐसी कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना. सिमिलरली देर आर सर्टेन सर्विसेज विच आर ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सर्विसेज. मार्क माय वर्ड्स, आपको एग्जेम्प्ट सर्विसेज की पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एग्जेम्प्ट मतलब समझ में आना चाहिए. एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं और इंडिया के अंदर बैठ के मैं कोई सर्विसेज यूएस में डिलीवर कर रहा हूं. समझ रहे हो कि अगर मान लो मैं इंडिया में बैठे बैठे मेरी जीएसटी की क्लासेस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, तो मैं $1,00,000 का बिल रेस करता हूं, मान लेते हैं. ठीक है, तो बेटा अंडरटेकिंग है, क्लियर, जो भी सेल इंडिया से बाहर की जा रही है टिपिकली. मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर भी कुछ सप्लाई होती है जो एग्जेम्प्टेड मानी जाती है. बाहर रेंडर की जा रही है उस सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता है और वो आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानी जाती है. लेकिन इस सप्लाई को आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज कोड ऑफ गुड्स और इन द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंडियन सेल्स. क्या बोला बेटा इसने, अभी ठीक है बेटा? अभिषेक यू आर राइट बेटा, मेरी आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? अभिषेक आपका आंसर सही है बेटा. ठीक है, थोड़ा सा वाईफाई का इशू था बेटा. अभिषेक यू आर राइट कि वो लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी जाती है सप्लायर से रेसिपिएंट के ऊपर. ठीक है बेटा, लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है सप्लायर से रेसिपिएंट के ऊपर. हाँ जी, ठीक है बेटा, क्लियर. अब बेटा आगे देखते हैं क्या बोलता है. एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्संस हैविंग द सेम परमानेंट नंबर. देखिए ध्यान से देखिए,
यहाँ पे मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है इसको मैंने बस एक टेबल में डालने की कोशिश करी है बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, नंबर वन क्या है टैक्सेबल सप्लाई, नंबर टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, नंबर तीन एक्सपोर्ट, नंबर चार इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन्स हैविंग दैट सेम पेन बी कंप्यूटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस। पहले इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है। आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया, एक्सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर आप ये भी समझ सकते हैं जो एक कुछ हमारी सर्विसेज होती हैं जो निल रेटेड पे होती हैं, निल रेटेड मतलब जीरो रेट, निल रेट का मतलब जीरो रेट, किस पे जीएसटी तो लग रहा है बट जीरो रेट वाला है, या फिर जिसपे टैक्स जीएसटी लगता ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है वो समझ सकते हैं आप। तीसरा मैंने क्या बोला एक्सपोर्ट का, जो मैं इंडिया से बाहर कर रहा हूं। चौथा क्या कहता है इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर सपोज करो ये है आपका उत्तर प्रदेश, मैडम उत्तर प्रदेश इसलिए लेता हूं क्योंकि पास में ही है, आसानी से समझ में आ जाता है। एक है आपका दिल्ली, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। ये हो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए इंटर स्टेट, लेकिन शिक्षा धाम की एक ब्रांच इधर है, ये हो गया ब्रांच वन, ये है ब्रांच टू, लेकिन हमारा हमारे पास जीएसटी नंबर है और हमारे पास पैन नंबर भी है। अगर मैंने आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग की दो डिजिट हमारी स्टेट कोड की होती है और अगली दस डिजिट हमारा पैन नंबर होता है। तो मेरा पैन नंबर तो सेम रहेगा बेटा, जो यहाँ पर पैन नंबर है वही पैन नंबर यहाँ पर है, बट क्या होगा मेरा स्टेट कोड चेंज हो जाएगा स्टार्टिंग की दो डिजिट और मेरी लास्ट की तीन डिजिट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो इंटरस्टेट, जहां पर सेम पैन है, सेम पैन मतलब मेरा दिल्ली में पैन नंबर ही वही रहेगा और मेरा उत्तर प्रदेश में पैन नंबर भी वही रहेगा, तो अगर आप यहां से कोई सप्लाई उधर कर रहे हो दिल्ली से उत्तर प्रदेश या वहां से यहां कर रहे हो तो ये आपकी सेल मानी जाएगी, ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में वैल्यू में काउंट होगी, ठीक है। लेकिन सरकार कहती है किसी भी तरीके का टैक्स, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे यूटीजीएसटी, चाहे आईजीएसटी या फिर वो सेस हो, ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका काउंट नहीं किया जाएगा। आगे क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, जो हमने यहां पे ये समझा, क्या बोलता है ये कि कोई भी सप्लाई जो इनवर्ड सप्लाई है और उस पर आरसीएम के बेसिस पे टैक्स पे किया जा रहा है वो भी आपका इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। अब बताइए बेटा क्या आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। और एग्रीगेट टर्नओवर के साथ साथ बेटा आपको आरसीएम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आपको टैक्सेबल सप्लाई का मतलब पता चल गया, आपको सप्लायर का मतलब पता चल गया, आपको रेसिपिएंट का मतलब पता है, आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब पता है, आपको आईटीसी का मतलब पता है, और आपको एग्जम्प्ट सप्लाई पता है, आपको एक्सपोर्ट पता है, और आपको ये वाला इंटरस्टेट का मतलब पता है, आपको ये भी पता है कि जीएसटी नंबर कैसे बनता है, सेम पैन कैसे होता है, आपको सारी चीजें पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज बता दीजिए ताकि हम उसको अभी टेकअप करें। बताइए बेटा हाँ जी बताइए, बेटा मैंने जितने वर्ड्स आपको बताए हैं ये समझने बहुत जरूरी हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आए हम आगे देखो बेटा हम सारी चीजें जिस डिटेल लेवल में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं उस टाइम पे तो नहीं कर पाएंगे ना, तो
तो वहां पे क्या होगा, एक सेकंड किसी का डाउट आया सर, अगर पैन नंबर डिफरेंट हो तो ये इंक्लूड नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, वो तो नॉर्मल टैक्सेस अप्लाई हो गया ना। अगर दिल्ली में बैठ के मैंने सामान आपको बेचा, आप कहीं दिल्ली से बाहर हैं, तो वो तो नॉर्मल टैक्सेस अप्लाई है ना। ठीक है बेटा श्रुति, अगर दिल्ली में मैं, आप कहीं और दूसरे राज्य में है, ठीक है, मैंने दिल्ली से सामान आपको बेचा, तो वो तो नॉर्मल टैक्सेस अप्लाई है, वो तो बात ही खत्म हो गई बेटा। ठीक है, आप जो सोच सकते हो बताओ, आई जस्ट पुट इट ओवर हियर, सोचो, देयर इज नो एनी हार्म, नन ऑफ द क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन, प्लीज मेक श्योर इन माई क्लास, प्लीज मेक श्योर नन ऑफ द क्वेश्चन विल बी सिली क्वेश्चन। ठीक है, वट एवर यू हैव प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर एंड ट्राई टू फिट इट आउट हियर। जितने भी टर्म्स मैंने आपको बोले बेटा, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम में बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस भी आएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, आरसीएम क्या होता है, आप पांचवे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चंस आपको इन्हीं के आसपास दिखेंगे। इंटरेस्ट इट सप्लाई नॉट इंक्लूडेड राइट, बेटा वो तो नॉर्मल टैक्स में सप्लाई है ना बेटा। इंटरेस्ट रेट मतलब सेम स्टेट, मैं आज यहाँ दिल्ली में बैठ के, आप दिल्ली में यहीं पर हो, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे सर्विसेज दी, वो तो नॉर्मल टैक्स सप्लाई आ गया ना मेरा, क्या नाम बेटा, तनिष, वो तो यहीं पर आ गया। क्लियर, बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसका मतलब क्या, जो आपने बताया सीजीएसटी एसजीएसटी सेस मींस, बेटा देखो यहाँ पे हमने क्या टेकअप किया था, सॉरी वो एग्जांपल किधर है, यहाँ पे देखो, अब बात आती है कि बच्चा पूछ रहा है कि सर सीजीएसटी एसजीएसटी सेस का मतलब क्या है। बेटा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे क्या मतलब है, तो बता देता हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पर आपने 60 लाख रुपए का सामान बेचा था, उसमें से उसके ऊपर आपने 1,80,000 का टैक्स कलेक्ट किया। अब टैक्स समझ लो ये सीजीएसटी या एसजीएसटी समझ लो, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो इसको, 90,000 रुपए आपका सीजीएसटी होगा और 90,000 रुपए आपका एसजीएसटी हो जाएगा। लेकिन अगर ये आईजीएसटी है तो 1,80,000 रुपए आपका आईजीएसटी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, सर सेल क्या मेरी ये वाली मानी एग्रीगेट टर्नओवर मेरी ये होगी या ये होगी? तो बेटा लॉ बहुत क्लियर है यहाँ पर, देखिए लॉ ने क्या बोला कि टैक्सेबल सप्लाई होगी आपकी अकाउंट, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई टैक्स है सीजीएसटी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा फुल फॉर्म पूछेगा बेटा, तो बेटा प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी इसका मतलब, प्लीज रिकॉर्डेड सेक्शन देख लीजिए, बहुत जरूरी है बेटा, इसीलिए हम बेटा शॉर्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीज पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सर ये वर्ड सेस मींस, अच्छा बेटा, तो बेटा कुछ ऐसी सर कुछ ऐसे गुड्स हैं हमारे देश में जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो कहां पर आते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स में, उसके ऊपर सरकार कहती है कि आप, जैसे मान लो मैं आज सोचता हूं कि मैं एक फरारी गाड़ी कार ले लेता हूं, हालांकि बेटा अभी पैसे नहीं है उतने, 5 करोड़ की आती है, बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, चलो उसको हटा दे, जो इंडिया में अवेलेबल है उसकी बात करते हैं, रेंज रोवर की बात करते हैं, ठीक है, मैं रेंज रोवर लेना चाहता हूँ, इवोक लग्जरी गाड़ी में काउंट होती है बेटा वो, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी रेट ज्यादा होता है, लेकिन सरकार कहती है कि ठीक है आपके पास ज्यादा पैसा है। अगर आपको याद होगा बेटा, हमने ये चीज पास्ट में डिस्कस की थी हमारे फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, कि जीएसटी कुछ चीजों को छोड़ के ये नॉर्मल सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। हाँ बेटा आप समझ सकते हो, जैसे इनकम टैक्स में आपका सेस लगता है ना, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम सेस बोलते हैं, एग्जैक्टली बेटा, सिमिलरली जीएसटी में भी लगता है। अगर आप कोई अच्छी महंगी, अगर मैं बात करूं तो हेल्थ एंड एजुकेशन से सबके ऊपर लगता है 4%, चाहे आपका टैक्स 2 रुपए है चाहे आपका 2 लाख रुपए टैक्स है, लेकिन जीएसटी में क्या होता है, अगर आप महंगी गाड़ी खरीदते हो, महंगी गाड़ी जो जैसे आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो सेस नहीं लगेगा आपका, ठीक है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 40-50 लाख से ऊपर की है
तो आपके जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज का सेस लगाया जाता है। ठीक है बेटा, अगर कोई आप महंगा सामान महंगी गाड़ी खरीदते हो तो महंगी गाड़ी के केस में आपके आपके जीएसटी अमाउंट के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेस लगाया जाता है। ठीक है, तो सरकार कहती है कि आपके टर्नओवर के अंदर अगर आपने ये सब टैक्सेस कलेक्ट करे, क्योंकि सेस भी सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस इटसेल्फ, अगर आपने ये सब कलेक्ट किया है तो दिस विल नॉट बी काउंट योर टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, और इफ दिस इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई देन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर बेटा? और बताइए, मैंने इसीलिए इंटेंशनली बेटा इस क्लास का नाम इंटेंशनली रखा था कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें रखेंगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम एग्रीगेट टर्नओवर और आरसीएम की बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरसीएम को हम डिटेल में करेंगे, सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर को हम डिटेल में करेंगे और आरसीएम का हमने बेसिक समझा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्लियर है एग्रीगेट टर्नओवर कैसे अकाउंट कैलकुलेट की जाती है? बिल्कुल बेटा, सिर्फ 60 लाख ही आपका यहाँ पे आ जाएगा इधर taxable supply के अंदर, सिर्फ 60 लाख, नॉट taxes पार्ट। तो इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूं। देखिए, जैसे यहां पर आपने 60 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है, ये जो 1,80,000 रुपए है, ये 1,80,000 क्या है आपका? ये तो आपने किसी से लिया और किसी को दे दिया। ठीक है, अगर आप इसको अपनी सेल मान लोगे, टर्नओवर का मतलब सेल ही तो है ना बेटा, अगर आप इसको अपनी सेल मान लोगे तो आपको इस 1,80,000 के ऊपर भी इनकम टैक्स भी तो देना पड़ जाएगा बेटा। हाँ या ना? If you will count this number as a part of your sale, then of course you have to pay the taxes on taxes, is it? 1,80,000 tax, हाँ बेटा, 1,80,000 का tax है। तो बेटा अगर आप इसको अपनी sale मान लोगे तो आपको income tax में इसी amount के ऊपर tax pay करना पड़ जाएगा। हाँ है ना? ये मैं आपको logic बता रहा हूँ कि क्यों नहीं करते। This is one of the logic. Why we do not count tax while calculating the aggregate turnover? है ना? So this is one of the logics you can take as your learning, that why we are not counting taxes under our definition of aggregate turnover. ठीक है? एक तो हो गया याद रखने वाली बात क्यों इसको नहीं रखना है, एक हो गया logic. I gave you one logic. That क्यों नहीं होगा ये? ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? कैन यू मूव फॉरवर्ड? एनी डाउट इन एग्रीगेट टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई, आरसीएम, एग्जाम, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सीजीएसटी, एनीथिंग? एनी डाउट? नो सर, क्लियर सर, यस सर, राइट सर, सारे वर्ड है मेरे आपके पास। आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल पढ़िए बेटा, पढ़िए। लेट्स रीड द एग्जाम्पल बेटा, पढ़िए एक बार।
बड़े बड़े एग्जाम्पल पढ़िए एक बार। पढ़िए बेटा एग्जाम्पल पढ़िए। हाँ जी बेटा पढ़ लिया, क्या समझ में आया? एग्जाम्पल है सिर्फ एक, ये देखिए ठीक है। क्या बोलता है? There's a company called Raj Private Limited pays GST on sitting fees paid to its directors। कह रहा है sitting fees पे कर रहा है एक कंपनी अपने डायरेक्टर को for the services rendered by them under RCO। ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। ठीक है क्या बोलता है कि एक कंपनी है, कंपनी को हम एक वर्ड यूज करते हैं बेटा बॉडी कॉर्पोरेट, ये ध्यान रखना बेटा वर्ड जान लेना बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है वैल्यू ऑफ सप्लाईज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर टू राज प्राइवेट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट राज प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोल गया ये? क्या बोल गया बेटा ये कि राज प्राइवेट लिमिटेड ने जो डायरेक्टर को पैसा दिया, किसने दिया? राज ने डायरेक्टर का पैसा दिया और उस पर टैक्स किसको पे करना है? टैक्स किसको पे करना है? राज को, कंपनी है वो। ठीक है आरसीएम की सर्विस, उसने बोल दिया कि सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम अंडर रिवर्स चार्ज, तो राज की कंपनी इसको इस पे टैक्स पे कर रही है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर किसकी होगी, राज की या डायरेक्टर की? बताइए ये टर्नओवर किसकी काउंट की जाएगी, राज की या डायरेक्टर की? डायरेक्टर का नाम मान लेते हैं, किसका नाम लें यहाँ पे? आरती का। हाँ जी बेटा आरती एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है तो राज ने आरती को उसकी जो भी फीस थी सिटिंग फीस वो दे दी, लेकिन उस पर आरसीएम किसको पे करना है? राज को। ठीक है बेटा तो अब ये जो अमाउंट है, मान लेते हैं यहाँ पे 2,00,000 रुपए का अमाउंट पे किया गया है आरती को। ठीक है तो अब बताइए ये टर्नओवर किसकी काउंट की जाएगी, आरती की या राज की? बताइए बेटा आरसीएम पे किया है राज प्राइवेट लिमिटेड ने, बेटा जल्दी बताइए टर्नओवर किसकी काउंट की जाएगी, राज की या आरती की? आरती की, आरती। बेटा तो दो बच्चों का आंसर आएगा क्या? हाँ जी बेटा तो यहाँ पे हमने पहले देखा अगर इनवर्ड सप्लाई में आरसीएम पे किया जा रहा है
तो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी हु इज पेइंग द आरसीएम, बट इट विल बी काउंटेड एज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड द सर्विस. ठीक है सर, एज राज इज अ रेसिपिएंट इन दिस केस. बिल्कुल बेटा, ये चीज ध्यान रखना. तो जैसे कह रहे हैं बच्चे ने लिखा ये जो भी है तेश्यूपुरी, जैसे ये आंसर है ना, ये आपके माइंड में चलने चाहिए कि जैसे आप एक तो हो गया आपने आंसर दिया, ठीक है, एक आपके माइंड में प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि आरती है तो आरती क्यों है तो राज क्यों नहीं है. ठीक है बेटा, तो दिस थिंग शुड प्रोसेस इन योर माइंड ऑन इंस्टेंटली बेसिस कि सर राज क्यों है, क्योंकि राज एक रेसिपिएंट है इन दिस केस. ठीक है बेटा, और ये राज ने आरसीएम में सर्विस टैक्स पे कर दिया है. ठीक है बेटा, राज ने आरसीएम में टैक्स पे कर दिया है. क्लियर. आगे हमने देखा कि एग्रीगेट टर्नओवर में आपका टैक्सेस के कंपोनेंट ऐड नहीं होते हैं. ठीक है, इसने बोल दिया एक्सक्लूड. तो इसलिए बाद बेटा हमने मैंने जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें डिटेल डिस्कशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सेम क्या बोलते हैं कि आपका टोटल टर्नओवर में सारी ब्रांचेस का जहां पे सेम पहले आपका ऐड होगा. ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहो देख लेते हैं. ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाता है, जैसे एक डीलर है एक्स हैज टू ऑफिसेज, वन इन पंजाब एंड द अनदर इन दिल्ली. एक पंजाब में है और एक दिल्ली में है, एक ही इंसान का ऑफिस है, एक दिल्ली में एक पंजाब में. इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर एक्स इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पहली चीज ध्यान से सुनना, पहली चीज एक बंदे के दो ऑफिस हैं तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, बताइए. टर्नओवर ऑफ बोथ द ऑफिस वुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड ओनली इफ द सेम एक्सीड्स द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट एक्स इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन. अब दिल्ली से और पंजाब से, दिल्ली में उसका जो बिजनेस है वो है 12 लाख रुपए का. ठीक है, दिल्ली का बिजनेस 12 लाख रुपए, पंजाब का बिजनेस 18 लाख रुपए का. तो आप बोलोगे कि सर लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई 20 लाख रुपए की, लेकिन सेम पर्सन है, दो डिफरेंट स्टेट, डजंट मैटर, सेम पैन है, 20 दोनों का क्लब कर दो, 18, 12, 30 लिमिट क्रॉस, नंबर लेना पड़ेगा. ठीक है बेटा, नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा. क्लियर, क्लियर है बेटा यहां पे. आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स. ठीक है, डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा, जो समझा उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं. ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स सर्विसेज, एक्सपोर्ट के लिए के जो गुड्स और सर्विसेज वो एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर. क्या बोल रहा है कि अगर आपकी एक्सपोर्टेड सेल या सेल्स ऑफ सर्विसेज और गुड्स हैं, एग्जेम्प्टेड हैं या फिर इंटर स्टेट हैं, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन, दो अलग अलग लोग तो हैं लेकिन पैन नंबर उनका सेम है. हमने वही चीज प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, लोग अलग अलग हैं, क्यों, क्योंकि जो दो जीएसटी अलग अलग हैं तो लोग अलग अलग तो हुए ही नहीं. अगर उनका सेम पैन नंबर है तो उनकी जो सारी सेल है एक साथ क्लब करके देखी जाएगी. ठीक है बेटा, एक साथ क्लब करके देखी जाएगी. एग्जाम्पल चाहो तो पढ़ सकते हैं, क्या कहता है एग्जाम्पल, कहता है आपका ऑयल्स दिल्ली इज एंगेज इन सप्लाइंग मशीन ऑयल सप्लाई करते हैं बेटा ये, एज वेल एज पेट्रोल. ठीक है, मशीन ऑयल भी करते हैं और पेट्रोल भी करते हैं. सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेबल टू जीएसटी. ठीक है, जो सप्लाई ऑफ पेट्रोल है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो दो चीजें हैं, दे आर स्टिल आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी. ठीक है, तो यहां पे इसने पहले ही बोल दिया, एक तो वो मशीन ऑयल कर रहे हैं और एक क्या कह रहा है पेट्रोल, और क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेबल टू जीएसटी बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज टैक्सेबल. ठीक है,
इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर मधुर ऑयल, सॉरी यहाँ पे मधुर भी था बेटा, वो यहाँ पे स्किप हो गया, मधुर ऑयल्स इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टर्नओवर ऑफ बोथ नॉन टैक्सेबल विच इज सप्लाई ऑफ पेट्रोल एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई वुड बी टेकन इन टू अकाउंट एंड इफ द सेम एक्सीड्स द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट विच इज 20 lakhs or 10 lakhs. आई होप आई एम क्लियर ऑफ दिस. मधुर ऑयल्स इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. Any doubt? Beta, any doubt? बताइए बेटा, कोई डाउट है इसमें? तो समझिए बेटा, चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो चाहे नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, अगर आपकी लिमिट 20 लाख से ज्यादा जा चुकी है, यू आर बाउंड टू टेक द जीएसटी नंबर. अगर आप नहीं लोगे तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, आपको पेनल्टी लगाई जाएगी. ठीक है बेटा. अब कुछ बच्चे बोल देंगे, सर पेनल्टी लगाई जाएगी ठीक है, बट वो पेनल्टी लगाई कैसे जाएगी और वो पता कैसे लगेगा कि हमारी लिमिट बढ़ गई है? तो बेटा पता ऐसे चलता है, आपकी बैंक अकाउंट भी तो है आपके पास, उसमें आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. जस्ट आई एम सॉल्विंग देयर डाउट्स. जो बच्चे बोलेंगे कि सर पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा आपकी बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट है. अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम अगर कैश में ले लें तो बेटा कैश में तो ले लोगे पैसा, ठीक है, आपने गुड्स परचेज भी तो किए होंगे. अब आप बोलो नहीं सर हमारा तो साल का 18 लाख ही होता है, कैसे पकड़ लेंगे? 18 लाख हम अकाउंट लेते हैं, 2 लाख रुपए हम कैश लेते हैं. तो बेटा देखो, वो माइनर चीजों के डिपार्टमेंट नहीं बैठा हुआ, वो छोटी छोटी चीजों के डिपार्टमेंट नहीं बैठा हुआ. इतना इतना करोड़ रुपए सिर्फ वो 2 लाख रुपए के लिए नहीं होता, ठीक है. और जो टैक्स छुपाते हैं ना बेटा, सेम वही चीज बता रहा हूँ. आप सामान लेके आए 25 लाख रुपए का, समझिए आप सामान लेके आए 25 लाख रुपए का, ठीक है, पर आप कह रहे हो नहीं मेरा सर ना 15 लाख का बिजनेस होता है साल का, साल में सामान ले तो 25 लाख का बिजनेस होता है 15 लाख का, तो 10 लाख का सामान दिखा दो आप मुझे. 25 लाख का सामान आपने परचेज किया, बेचा आपने 18 लाख रुपए का मान लो या 15 लाख रुपए का, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल स्टॉक है दैट शुड बी हैविंग इन योर रिकॉर्ड्स, कहां है वो, या तो वो दिखा दो. समझ रहे हो? तो बेटा बचने के चांसेस नहीं होते हैं. अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, टैक्स छुपा रहे हैं, तो छोटे लेवल पर नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़े लेवल पे जाओगे यू विल गेट कॉट. ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं. अगला पॉइंट आता है हमारा सेम वही, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाइज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स. अब ये क्या बात सर आपने बताई हमें, ये तो हमें पता ही नहीं था. क्या नहीं पता था बेटा? एक वर्ड यहां पे लिखा गया है प्रिंसिपल्स, तो क्या ये प्रिंसिपल बेटा हमारा स्कूल वाला प्रिंसिपल है? क्या ये हमारा स्कूल वाला प्रिंसिपल है? नहीं बेटा, ये वो प्रिंसिपल नहीं है. यहाँ पे अब आप कॉलेज में आ चुके हैं, यहाँ पे डीन होता है ना, कॉलेज का डीन होता है ना, स्कूल में प्रिंसिपल होता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं, वहीं से मैं आपको ये चीज समझाऊंगा. जैसे रानी इंटरप्राइजेस हैव अपॉइंटेड, ध्यान से पढ़ना, रानी ने अपॉइंट किया किसको? बेस्ट फोर्स एंड एसोसिएट्स एज इट्स एजेंट. रानी ने, हाँ रानी ने बेटा अपॉइंट किया है मेसर्स बेस्ट को एज इट्स एजेंट. एजेंट ये मेरा एजेंट है, ठीक है. मेसर्स बेस्ट makes supply of goods on its own account as well as on behalf of Rani Enterprises. All the supplies of goods made by Mrs. Best Force and Associates as agent, yahan se padhna beta, as agent of Rani as well as on his own account will be included in the aggregate turnover of Mrs. Best
फोर्थ एंड एसोसिएट्स। रानी ने बेस्ट को अपना एजेंट बनाया, एजेंट ने क्या किया, अपना सामान बेचा और रानी का भी सामान बेचा। तो अगर क्या बेस्ट ये कह सकता है कि नहीं सर, ये सामान तो मैंने दूसरे का बेचा है, ये तो मेरा है ही नहीं, समझ रहे हो, ये सामान तो मेरा है ही नहीं सर, ये तो रानी का सामान नहीं। अब यहां पे पहले से ही क्लियर है कि आप रानी के एजेंट हो, आप रानी के एजेंट हो, जो आपने सामान बेचा है वो आप ही का है, ठीक है, वो आप ही का है। दोनों को क्लब करके आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट की जाएगी। तो बात यहां से ये समझ में आती है कि जो भी सेल्स इन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट हो रही है, द सेम विल बी काउंटेड एज योर एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। जो सेल्स एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे की, वही सेल आपकी टर्नओवर में काउंट की जाएगी, और जो आपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे की है वो भी आपकी सेल्स काउंट की जाएगी। दोनों सेल्स को क्लब करके आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट की जाएगी और वहां पे 20 लाख रुपए देखा जाएगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें बताइए।